टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशन की टाइप में फैमिली, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, प्ले एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। फैमिली बेसिकली डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू वन अनदर बाय बॉन्ड्स ऑफ ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन एंड हु लिव टुगेदर, फॉर्म एन इकोनॉमिक यूनिट एंड बियर एंड रेस चिल्ड्रन। और फैमिली को अगर देखें फैमिली के फंक्शन में, तो फैमिली का काम प्रोड्यूस करना है, रिप्रोडक्शन है रेस की, और जो हमारी यंग जनरेशन है उसको किस तरह से हमें जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र करना है, कल्चरल ट्रांसमिट कैसे करना है, कल्चरल ट्रांसफ़र किस तरह से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विद द हेल्प ऑफ फैमिली हम वो कर सकते हैं। फैमिली हम किसी भी बच्चे को सोशलाइजेशन प्रोवाइड करती है कि आपके सोसाइटी में कौन कौन से रोल हैं, क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या हमारे वैल्यूज़ हैं, किस तरह की हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है चीज़ों को, क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी रिजेक्ट करती है, आपने उन चीज़ों को नहीं करना है, राइट और रॉन्ग और हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो फैमिली ही बच्चे को देते हैं। साथ साथ फैमिली का काम ये भी होता है कि वो बच्चे को ना सिर्फ अफेक्शन बल्कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, जहाँ पे वो अपनी ऑटोनॉमी के साथ घूम फिर सकते हैं, एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रहते हैं। फैमिली का जो मेजर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं वो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को कि जहाँ पे बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप हो सके, जहाँ पे बच्चों की सेल्फ जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रो हो सके कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, आई नो एवरी थिंग। जिस तरह से आप किसी भी पेरेंट्स को अगर देख रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे होते हैं कि उनके बच्चे कॉन्फिडेंट हों, उनके बच्चे सबसे ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस दे सकें और साथ साथ वो सोसाइटी को भी साथ साथ लेके चल सकें। फैमिली आपको सोशल स्टेटस प्रोवाइड करती है कि आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस है। फिर जो हमारी एजुकेशन है, अगर हम मल्टीपल फंक्शंस देखें स्कूल के, तो स्कूल हमें टेक्निकल और इकोनॉमिक फंक्शन प्ले करते हैं, जिसमें स्कूल का काम ये होता है कि आपको इकोनॉमिक भी डेवलप किया जा सके, आपको टेक्निकली डेवलप किया जा सके, कि स्कूल आपको वो एजुकेशन, वो स्किल्स, वो आपको कॉम्पिटेंसी सिखाती है ताकि आप इस लोकल कम्युनिटी में, आप अपनी सोसाइटी में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी नीड्स को किस तरह से फुलफिल कर सकेंगे, आपकी क्या सोशल नीड्स हैं, आपकी क्या जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, या कोई और आप बिजनेस वुमन मैन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको स्कूल टेक्निकल और इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि आपको वो प्रोवाइड किया जा सके। फिर एक स्कूल का जो काम है वो सोशल और ह्यूमन जो कंट्रीब्यूशन है, इसका इससे ये है कि आपको किसी भी इंसान को सोशल रिलेशनशिप में के डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोसाइटी हैं उनके साथ आपने किस तरह से बिहेव करना है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके पीयर्स हैं, आपके हेड्स हैं, आपके जो सोसाइटी के बाकी के लोग हैं उनको, उनके साथ आपने किससे इंटरेक्ट करना है, किस तरह से आपने रहना है, ये आपको स्कूल से आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ चैप्टर्स, जहाँ पे टीचर्स हिडन जो करिकुलम है उसके थ्रू उनको मैसेजेस देती हैं, उनको मॉरल वैल्यूज सिखाती हैं। पॉलिटिकल फंक्शन प्ले करते हैं स्कूल, जिसमें ये बताया जाता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट डिफरेंट लेवल्स पे किस तरह से होती है और उनका क्या मेन काम है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्कूल के थ्रू बच्चों को दी जाती है। स्कूल का जो फंक्शन है वो कल्चर ट्रांसफर करना भी है कि आप अगर किसी भी सोसाइटी का जो कल्चर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सोसाइटी डिफरेंट लेवल्स पे उस चीज़ को डेवलप करती है और स्टूडेंट्स के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिसके थ्रू आपको पता चलता है, बच्चों को पता चलता है कि हमारी सोसाइटी के कौन कौन से कल्चर हैं, कौन कौन से हमारे वैल्यूज़ हैं। एजुकेशन का जो मेन फंक्शन, स्कूल का जो मेन फंक्शन है वो एजुकेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन के साथ आप किस तरह से अपनी सेल्फ डेवलप कर सकते हैं, सोसाइटी में आपकी डिफरेंट लेवल्स क्या हैं, आप किस तरह से उनको अचीव कर सकते हैं। अगर हम मैनिफेस्ट और लैटिन फंक्शन ऑफ एजुकेशन देखें तो एजुकेशन ना सिर्फ आपको ओपन और इंटेंडेड गोल्स प्रोवाइड करती है बल्कि आपको वो एक्टिविटीज़ दी जाती हैं जिसके थ्रू आप सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल और सोशल प्लेसमेंट
कहीं पे भी अगर रखनी होती है तो उसके लिए स्कूल बहुत ज़्यादा और एजुकेशन ही के थ्रू हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स हमें बताती हैं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, और क्यों क्या हमारे लॉज हैं, क्या हमारे लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है, और हमें किस तरह से उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, सोशल कंट्रोल कैसे करना है कि जो चीज़ें हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है उनसे अपने आप को सोशली कंट्रोल करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है और उसको प्रैक्टिस नहीं करना। देन एजुकेशन जो फंक्शन प्ले करती है उसमें कल्चर का ट्रांसमिट करना, सोशल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन लेकर आना कि सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को कैसे, पॉलिटिक्स इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, कि आप सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उसको पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के साथ आप उनको इंटीग्रेट अगर करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो ये जो बामी इत्तफाक है वो बेसिकली एजुकेशन के थ्रू होता है। और एजुकेशन आपका एजेंट ऑफ चेंज भी कहलाता है, जिसके थ्रू आप चेंज होते हैं। आप एजुकेशन की जो डेफिनेशन है, इट इज़ दी चेंज इन बिहेवियर, के थ्रू एजुकेशन आपके बिहेवियर चेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। रिलीजन, रिलीजन सोशली अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज़ अ पैटर्न ऑफ बिलीव्स कंसर्निंग अल्टीमेट मीनिंग ऑफ लाइफ एंड इट इज़ अज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ द सुपर नेचुरल, कि जो सुपर नेचुरल पावर है, एक जो ताकत है जिसके थ्रू ये यूनिवर्स, ये गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में जो आइडेंटिटी दी जाती है वो हमें रिलीजन के मुताबिक दी जाती है। रिलीजन ही हमें उससे आशना करते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन देखें तो इट्स अ बिलीफ इन अ डाइटी और इन अ पावर बियॉन्ड द इंडिविजुअल, कि आप जितने भी इरादे कर दें, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इरादे पूरे नहीं होते, उस वक्त आप ये समझते हैं कि देयर इज सम अदर सुपर नेचुरल पावर हु इज गवर्निंग अस, और जिसकी वजह से ये सारी कायनात चल रही है। कुछ एक्सेप्टेड टीचिंग्स हैं जो कि हमें हर हाल में फॉलो करनी है, हमारी कुछ बिलीव्स हैं जो कि हमें बताए गए हैं, हमें विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट गिविंग एनी आर्ग्यूमेंट, हमें उसको एज इट इज बीइंग द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन हमें वो चीज़ अडॉप्ट करनी है। कोड ऑफ कंडक्ट है हर एक रिलीजन का, अगर मुस्लिम्स हैं तो उनके घर का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उनके घर के जो रहन सहन, उनके जो तरीके हैं वो डिफरेंट हैं। इंडियन अगर हिंदुज़म है, क्रिश्चियनिटी है, उन डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनको बेसिकली फॉलो करना होता है। हमें अपनी जो सेक्रेड जो स्टोरीज हैं उनको यूज़ किया जाता है। रिलीजियस राइट्स हैं, जैसे एक्ट्स हैं, सेरेमनीज हैं, रमज़ान हैं और ईदें हैं, हमारी सेलिब्रेशंस हैं, वो सारी चीज़ें हमें जो रिलीजन के थ्रू पता चलती हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। रिलीजन का जो फंक्शन है वो ये भी है कि हम किस तरह से सोशल कंट्रोल कर सकें, सोशल कंट्रोल अपने थॉट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि जिस चीज़ से हमें मना किया गया है वो हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, हम अपनी सोच को भी कंट्रोल करते हैं। और इट एक्सर्ट्स अ ग्रेट इन्फ्लुएंस अपॉन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आप किसी भी रिलीजन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, और रिलीजन हमेशा आपको एक अननोन चीज़ के बारे में फेयर दिखाते हैं, बताते हैं कि आप सही करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, अगर आपने इसको फॉलो किया तो सवाब, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपको गुनाह मिल सकता है, और इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइन की गई है होली बुक्स में। तो कुरान में जिस तरह से हमें जन्नत और दोजख के बारे में बताया गया है, हमें वो फियर दिया गया है, अननोन फियर जो कि किसी ने देखा नहीं है। रिलीजन एक्सप्लेन्स इवेंट्स और फंक्शन सिचुएशंस विच आर बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ मैन, कि वो इवेंट्स बताए जाते हैं, वो सिचुएशंस बताई जाती हैं जो कि हमारे किसी भी कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो खुद उस चीज़ को समझ सके या अंडरस्टैंड कर सके। रिलीजन के थ्रू हमारी जो किसी भी इंसान में स्ट्रेंथ आती है, होप आती है, कोई समटाइम्स बहुत ज़्यादा आप होपलेस हो जाते हैं अगर आप प्रे करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप कोई और मेडिटेशन करते हैं, मुराकबा करते हैं, जो भी आपकी जो चीज़ें हैं अगर आप उनको करते हैं तो आपको ना सिर्फ कंफर्ट मिलता है बल्कि आपको एक स्ट्रेंथ और होप नज़र आती है कि सारे जितने भी क्राइसिस हैं, जितने भी जो मसले हैं, उनसे हम बहुत इजीली गुजर जाते हैं। ये जो रिलीजन का फंक्शन ये भी है कि आपकी जो नॉलेज स्किल है स्पिरिचुअल कल्चरल वैल्यूज़ की, उनके प्रैक्टिसेस की, उसको प्रिजर्व करने के साथ साथ आपकी नेक्स्ट जो जनरेशन है उस तक ट्रांसमिट भी किया जाता है।
इट सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज कि आप जब काफी टाइम तक उसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बिहेवियर आपकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज लेकर आते हैं, तो इसको एक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, एक टूल कहा जाता है रिलीजन को चेंज के लिए किसी भी पर्सनालिटी को। इट प्रमोट्स क्लोजनेस, लव, कोऑपरेशन, फ्रेंडलीनेस एंड हेल्पनेस। किसी भी रिलीजन को अगर देख लें तो हर एक रिलीजन में प्यार, मोहब्बत और फ्रेंडलीनेस, दूसरों की मदद करना, दूसरों के दुख दर्द को समझना, उनकी हैप्पीनेस को समझना, उनको सेलिब्रेट करना, और इस चीज़ को हर एक रिलीजन में प्रमोट किया जाता है। रिलीजन एलिवेट सफरिंग्स फ्रॉम मेजर क्लैमिटीज़ के जितने भी मेजर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जितने भी आपको डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, विद द हेल्प ऑफ रिलीजन आप उनको ख़त्म कर सकते हैं, आप उनको रिलीज कर सकते हैं। इसमें आपको डेथ आफ्टर, जो लाइफ आफ्टर डेथ है उसके बारे में बताया जाता है कि अगर आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अगर अच्छे अच्छे काम इस दुनिया में करेंगे, दिस इज़ द टेम्पररी वर्ल्ड, यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन है फॉर द एक्चुअल लाइफ, तो उस लाइफ में आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी। तो ये होप भी हमें रिलीजन के ही तरह से के वजह से मिलती है, ये रिलीजन ही रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल्स को बताने में। एलिमेंट्स क्या है रिलीजन के? राइचुअल्स हैं जिसमें एक फॉर्मल पैटर्न्स है जो कि आपने फॉलो करना है, जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं, जो सिम्बॉलिकली एक शेयर्ड मीनिंग्स हैं, उनको आप सलाम करना, आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना, दूसरों की चीज़ों को समझना, ये सारी चीज़ें हमारे एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन में आ जाते हैं। रिलीजियस कम्युनिटी है कि आपके कोड ऑफ बिहेवियर से पता चलता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ किसी एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो वो एज अ कम्युनिटी बन जाते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि आप किस चीज़ को बिलोंग करते हैं और किस चीज़ को बिलोंग नहीं करते। देन इट कम्स इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न करती है कि जो आप स्पेसिफिक इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, जैसे कि आपकी फैमिली है, आपकी सोसाइटी है, एक इंडिविजुअल सोसाइटी की जब हम बात करेंगे, जब उनकी प्रोडक्शन की बात करेंगे, कंजम्पशन की बात करेंगे, कमोडिटीज़ की बात करेंगे, वहाँ पे आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है जो कि लोअर लेवल पे है, जो कि कम लेवल पे है। देन इट कम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसकी कंसर्न ये होती है कि एज अ होल हमारी पूरी जो रीजन है, हमारी कंट्री है, हमारी प्रोविंस है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसके लिए जितनी भी हम फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड करते हैं तो हमें कितनी ट्रेड करनी, कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इम्पोर्ट करना है, डॉलर रेट क्या है। अगर हम देखें तो हमारी जो जितने भी मनी एंड बैंकिंग है, हमारे जितने भी कन्वर्जन रेट्स हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो रेट डिसाइड होते हैं कि इकॉनमी डाउन हो रही है, इकॉनमी ज़्यादा अप हो रही है, ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझी और पढ़ी जाती हैं। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, कि कितना हम प्रोड्यूस करें और कौन सी गुड्स होनी चाहिए, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड प्रोड्यूस करनी चाहिए और उसकी तादाद क्या होनी चाहिए और वो उसको किस तरह से प्रोवाइड प्रोड्यूस करें, हम उनको पैदा कैसे करें, किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विसेज को अगर हमने समझ लिया है कि हमें इतनी इतनी तादाद में ये गुड्स चाहिए तो उसको कैसे हम प्रोड्यूस करें, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें और कौन से हम स्किल्स एजुकेशन प्रोवाइड करें जिसके थ्रू हमें वो सर्विसेज हासिल हो सकें, और किस फॉर होम आर द गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर होम आर द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, किसके लिए हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें, तो उसके लिए हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं कि हमारी मुल्क की कितनी ज़रूरियत है, कितनी ज़रूरियात हैं, उनको कैसे पूरा करना है और किन के लिए पूरा करना है। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स अ पैटर्न ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन दैट सर्व्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल, इंस्टीट्यूशन एंड नेशंस। अगर आपकी सोसाइटी में पॉलिटिक्स बहुत अच्छे तरीके से है, दैट मीन्स कि आपके सोसाइटी के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनकी हम आंगी चलती है, अगर वहाँ उन इंस्टीट्यूशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप पॉलिटिकली उसको हल करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिक्स में आपकी नेशन में, आपके लोगों के या आपकी इंस्टीट्यूशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो इन तीनों चीज़ों को जो हम ठीक करते हैं वो थ्रू पॉलिटिक्स करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ पर्संस इन हुज हैंड द रीजन ऑफ गवर्नमेंट आर फॉर द टाइम बीइंग, कि अगर किसी भी
गवर्नमेंट जिस तरह से आप इलेक्ट करते हैं, जब हम इलेक्शन के बाद किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, इलेक्शन के बाद किसी को इलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके इलेक्शन के बाद वो जो इलेक्ट होके हमारे पास बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, बीइंग अ चीफ मिनिस्टर या हमें प्रेसिडेंट जब आते हैं, तो उनकी एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो कि पूरे पाकिस्तान को, पूरे कंट्री को चला रही होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट एडमिनिस्ट्रिंग मिनिस्ट्रेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ये है कि आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूट टू वेरी बॉन्ड्स ऑफ सोसाइटी एंड आर देयर फॉर कंपल्सरी, के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपके कानून जो बनाए गए हैं उस किसी भी सोसाइटी के लिए, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत कंपल्सरी कि वो उनको फॉलो करें, और हर हाल में अगर उन्होंने वायलेट किया तो उसके लिए कोई ना कोई पेनल्टीज़, कोई ना कोई उनको पेनल्टीज़ दी जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, ऑर्डर जितने, कीपिंग ऑफ ऑर्डर एंड प्रोवाइडिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम वायलेंस एंड रोबरी, कि आपकी जितने भी किसी भी नेशन की किसी भी खित्ते की जो प्रॉपर्टी है उसको सेफ रखने के लिए, उस वहाँ पे कोई वायलेंस ना हो, कोई रॉबरी ना हो, उसके लिए जितने भी एफर्ट्स लिए जाते हैं वो हम थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस प्ले करते हैं। और डेफिनेशन एंड पनिशमेंट फॉर क्राइम्स की, कोई भी क्राइम है, किसी ने भी कोई जुर्म किया है तो उसको हम जस्टिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए सिविल केसेस में उनको लेके जाते हैं, और वहाँ पे उनको हम विद द हेल्प ऑफ लॉ, कानून के तहत हम अपने जो हक हैं वो हासिल करते हैं और अपने फैसले कानून के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू करते हैं। मिनिस्ट्रेंट दोज अंडरटेकन टू एडवांस द जनरल इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी सच एज पब्लिक वर्कर्स एंड वर्क्स एंड चैरिटी एंड आर मेरिटली ऑप्शनल, कि अगर आप मिनिस्ट्रेंट वो होते हैं जो कि आपकी किसी भी सोसाइटी के जनरल इंटरेस्ट को लेते हुए सोसाइटी के पब्लिक काम के लिए, कि किसी कहीं रोड बनाने, कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, कहीं जो है स्कूल्स बनाने, कहीं हॉस्पिटल्स बनाने, वेलफेयर के जितने भी काम हैं वो बेसिकली इनके जिम्मे आ जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली द फंक्शंस, दिस इज बेसिकली द टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड।